हेलो एवरीवन, मैं उन्नति ओरा। आज के इस वीडियो में हम जो साड़ीज़ ऑफिस में या वर्क प्लेस में पहन के जाते हैं उनको हम विदाउट ब्लाउज़ किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह से उनको एक स्टाइलिश लुक दे सकते हैं बिना ब्लाउज़ों के, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने यहाँ पे साड़ी के साथ गाइस पेपलम टॉप वेयर करा हुआ है। जैसे हम पेपलम टॉप को कैजुअल और पार्टी वेयर में पहनते हैं, वैसे ही हम फॉर्मल वेयर में ऑफिस के लिए पेपलम टॉप को पहन सकते हैं। और हम सबको ही पता है गाइस कि साड़ी के साथ पेपलम टॉप बहुत ही अच्छे से हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने पेपलम टॉप को एक ऑफिस के लिए फॉर्मल वेयर के लिए उसको स्टाइल करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो पेपलम टॉप है और साड़ी है उसको सिल्वर जंग के साथ स्टाइल करा हुआ है। और हेयर स्टाइल में मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो मतलब जुड़ा होता है बहुत ही सिंपल वाला वो बनाया हुआ है। तो इसी तरह से भी आप अपने साड़ी को पेपलम टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं। देन मैंने सेम पेपलम टॉप को ओपन पल्लू में कन्वर्ट करके देखा था, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था और जो लुक है वो पूरा सेम था जैसे पहले वाला था। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज करी है और पल्ले को थोड़ा सा ओपन करके देखा है। मैंने मैसअप पल्ला लेने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्लीट खोली है पल्ले की ऊपर की, बाकी दो तीन प्लीट्स होती है वो वैसे ही रहने दी गाइस। तो इस तरह से भी आप अपने पेपलम टॉप को स्टाइल कर सकते हैं या फिर आप अपने वे से अपने पेपलम टॉप को और अपने साड़ी के साथ उसको स्टाइल कर सकते हैं। देन हम क्रॉप टॉप को गाइज अगेन फॉर्मल और ऑफिस के लिए साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं। क्रॉप टॉप को हम हर तरह से स्टाइल कर सकते हैं गाइज, चाहे वो कैजुअल वियर हो, चाहे वो पार्टी वियर हो, चाहे वो फॉर्मल वियर हो। तो यहाँ पे मैंने पल्लू को पूरा ओपन रखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप अपने क्रॉप टॉप को साड़ी के साथ ओपन पल्लू में स्टाइल कर सकते हैं। और अगेन मैंने यहाँ पे सिल्क जो सिल्वर जंग ज्वेलरीज है उसके साथ पेयरअप करा हुआ है ओवरऑल जो लुक है उसको। और यहाँ पे हेयर स्टाइल में मैंने स्लीक पोनी बनाई हुई है। आई नो सिंपल है लुक बट बहुत क्लासी दिखता है गाइज। तो इस तरह से भी अपने क्रॉप टॉप को आप साड़ी के साथ ऑफिस के लिए स्टाइल कर सकते हैं। देन मैंने सेम क्रॉप टॉप को और सेम साड़ी को गाइज उल्टे पल्लू में कन्वर्ट करा है। तो आप भी कभी कभी अपनी जो साड़ी है उसको उल्टे पल्लू में कन्वर्ट करके ऑफिस के लिए फॉर्मल वेयर के लिए स्टाइल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो नेक पीस है सिर्फ स्टेटमेंट वेयर करा हुआ है जंग ज्वेलरीज को स्किप करके, और हेयर स्टाइल में मैंने यहाँ पे हाई बन बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से भी अपने क्रॉप टॉप को स्टाइल कर सकते हैं उल्टे पल्लू की साड़ी वेयर करके, और बहुत ही अच्छी दिखती है, बहुत स्टाइलिश लुक देता है। और ये जो बुक दिख रही है आपको मेरे हाथ में, ये जस्ट शो ऑफ के लिए है तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो इस तरह से भी आप अपने क्रॉप टॉप को स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के साथ। देन हम सभी गाइज ऑफिस के लिए या फिर फॉर्मल वेयर में या फिर कोई वर्क करते हैं तो शर्ट तो वियर करते ही है गाइज। बट आपने कभी शर्ट को साड़ी के साथ पहन के देखा है? अगर पहना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि किस किस ने पहना है। तो आप इस तरह से भी अपने शर्ट को साड़ी के साथ ऑफिस के लिए या फिर किसी वर्क के लिए जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर साड़ी पहननी होती है या फिर आपको कभी कभी साड़ी पहनने का मन करता है, तो आप इस तरह से भी अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं शर्ट के साथ। मैंने यहाँ पे कोई ज्वेलरी वेयर नहीं करी है गाइज, मैंने बहुत सिंपल लुक रखने की कोशिश करी है। बट आप चाहे तो कॉलर के अंदर एक चोकर नेक पीस वेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी साड़ी को शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं गाइज।
देन मैंने सेम फ्लोरल साड़ी को गाइस सेम क्रॉप टॉप के साथ पहना। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो फ्लोरल साड़ी है उसके साथ क्रॉप टॉप अच्छा नहीं लगेगा, बट जब मैंने इसको पहन के देखा और ऊपर से फिर मैंने जंग ज्वेलरीज वियर करी तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक ऑफिस वर्क जैसा लुक क्रिएट होके आया था। हम हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे पास सेलिब्रिटी जैसी साड़ी हो या उनके जैसे कपड़े हो, ज़रूरी नहीं है गाइस कि हमारे पास सेम उनके जैसे ही कपड़े हो। हमारे पास जो भी साड़ी होती है, चाहे वो फॉर्मल वियर में है, चाहे कैजुअल वियर में है, डेली वियर में है, जो भी साड़ी होती है हम उसको अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं, अपने वे से स्टाइल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से भी अपनी किसी भी साड़ी को किसी भी टॉप के साथ, किसी भी शर्ट के साथ स्टाइल करके देख सकते हैं। देन मैंने साड़ी को क्रॉप टॉप के साथ पहना गाइस। ये जो क्रॉप टॉप है वो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में पहन चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्रॉप टॉप को भी एक ऑफिस के लिए स्टाइल करके देखूँ। आपको यहाँ पे सारा जो वीडियो है वो दिख जाएगा कि किस तरह से मैं इसको पहन रही हूँ। तो आप इस तरह से भी अपने क्रॉप टॉप को ऑफिस या फिर अपने वर्क प्लेस में पहन के जा सकते हैं। और अगेन मैंने ये जो लुक है बहुत सिंपल और सटल रखने की कोशिश करी है गाइस। यहाँ पे मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है और जो हेयर स्टाइल है वो मैंने एक हाई पोनीटेल बनाई है जिससे कि जो सारा अटेंशन रैप टॉप के ऊपर जाए, क्योंकि रैप टॉप अपने आप में ही एक स्टाइल देता है गाइज। देन मैंने साड़ी को लॉन्ग श्रग के साथ पहना हुआ है गाइज। लॉन्ग श्रग को आप साड़ी के ऊपर पहन के भी स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो कैजुअल वियर हो, चाहे वो फॉर्मल या फिर पार्टी वियर हो। अगर आप किसी ऑफिस में या फिर बैंक में या फिर आप टीचर हो या फिर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रही हो तो आप ज़रूर ही आपने साड़ी के ऊपर श्रग वियर करके स्टाइल करा होगा, अगर आप भी मेरी तरह ही फैशन एडिक्ट है तो। अगर नहीं करा है तो ट्राई करिएगा, बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है, चाहे वो आपने लॉन्ग श्रग वियर करा है या फिर शॉर्ट या फिर आपने कोई डेनिम की जैकेट ही क्यों ना वियर करी है गाइस। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने साड़ी को गाइस कुर्ती के साथ पहना है। ये जो स्टाइल है वो मैंने बहुत सारी लड़कियों को स्टाइल करके हुए देखा है, तो आई थॉट क्यों ना मैं भी इसको स्टाइल करके देखूँ। बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखता है। आप किसी भी कुर्ती के साथ, चाहे आपके पास लॉन्ग कुर्ती हो या फिर शॉर्ट कुर्ती हो या फिर अम्ब्रेला कुर्ती हो, किसी भी कुर्ती के साथ आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं साड़ी के ऊपर पहन के। और इस लुक को मैंने अगेन बहुत ही सटल रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगेन ऑफिस जैसा एक टीचर जैसा लुक क्रिएट करना था गाइस। तो दैट्स वाई मैंने इसको इसी तरह से रखा है। तो आप भी अपनी साड़ी को किसी भी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं।